Hey guys, welcome back to my YouTube channel Blogspot ID बस and I hope you all must be doing really well. And guys, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे पास Instagram पर कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट आती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए. And guys, सबसे पहले तो apologies आप लोगों को. NCHMCTGA एग्जाम की वजह से मैं लोगों के लिए ज्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा था. Guys, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वीडियोस लाने की और आज स्पेशली मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं. Whether it is a telephonic round, it's a personal interview with HR, with general manager, with any HOD. ठीक है, किसी के भी साथ किसी भी तरीके का इंटरव्यू है तो ये वीडियो आपके लिए पर्सनली मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चंस पढ़ के चले जाओ, इन क्वेश्चंस का ये आंसर देना, ठीक है, ये चीज कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें कुछ जेन्युइन पर्सनल टिप्स देने वाला हूं जो मैंने पर्सनली सबकॉन्शियसली ऑब्जर्व करी है इंटरव्यू के टाइम पे. एंड गाइस, अगर आप लोग इस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे, इन पांच चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों का इंटरव्यू काफी हद तक जो है बहुत अच्छा जाएगा एंड चांसेस जो होंगे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यू क्रैक करने के. गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को. तो गाइस, बहुत सिंपल वीडियो होने वाली है, पांच पॉइंट्स आपको बताऊंगा. पांचों पॉइंट को ध्यान रखना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंटरव्यू देने से पहले. आपको एक बात बता दूंगा इसके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाकी सारी जो भी चीजें उसके ऊपर मैंने अलग से पूरी सीरीज बना रखी है पांच छह वीडियो डाल के. अगर आप लोगों को वो सीरीज देखनी है तो यहाँ पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा आई बटन में, उससे आप लोग वो पूरी सीरीज को अलग से देख सकते हो. रही बात कि अपने इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो वो सारी वीडियोस की जो है उसमें कहीं ना कहीं करके मैं आई बटन ऊपर डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. अब गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन पांच चीजों के बारे में. अगर आप लोग अपने इंटरव्यू से पहले ध्यान रखोगे और उनके ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. गाइस, हमारे जो वीडियो का सबसे पहला पॉइंट है वो है नेवर एवर लाई, नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ. जब आप गलत हो, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, कभी भी कोशिश मत करना झूठ बोलने की. गाइस, बिलीव मी, जब आप लोग अपना इंटरव्यू दोगे तो कितनी बार ऐसे सिचुएशंस आएंगी आप लोग कंफ्यूज हो गए एक आंसर को लेके, बहुत बार ऐसा होने वाला है. अभी आदत बना लो इस चीज की. सामने वाला जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा और आप लोगों को उसका आंसर या तो आता होगा या नहीं आता होगा, या फिर जो थर्ड चीज हो सकती है वो ये हो सकती है, आप लोग जो है उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, आप लोग टाइम लोगे, आप लोग इंटरव्यू से बोलेंगे सर मुझे आंसर पता है बस मुझे सोचने दो. अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपको 90% तक श्योर हो गया आप जो आंसर सोच रहे हो पक्का आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो 90% तक अगर आप ठीक हो, ठीक है, तो आप लोगों को सोचना है और टाइम लेना है, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, बहुत कम टाइम लेना गाइस. और अगर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो, अगर आप लोगों को 50-50% डाउट है ना तो मना कर दो, बट कभी भी ये कोशिश ये चीज ट्राई मत करो सामने वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछा कुछ ना कुछ आंसर दे देता हूँ, हो सकता है उन्हें लगे कि मैंने मेहनत करी. नहीं, वो ये नहीं सोचेंगे कि आपने मेहनत करी कुछ नहीं करी, उन्हें लगेगा कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है जिस आंसर को लेकर, उसका आंसर कर ही क्यों रहा है. लोगों को ये चीज गाइस कभी भी नहीं करनी, जो क्वेश्चन वो आपसे पूछे आंसर आता है बताओ, आंसर नहीं आता क्लियरली बोल दो सर नहीं आता, वो बहुत ज्यादा खुश होगा. इससे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 मिनट का इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने सोचा कि इससे इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मिनट में एक क्वेश्चन पूछूंगा और वो उसको पूरा आंसर देते देते एक मिनट लग जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करे 10. अब उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपने चार क्वेश्चन का आंसर दे दिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, चार मिनट हो चुके हैं, आप कितने मिनट बचे 6 मिनट. अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपको उसका आंसर नहीं आता और आप कितना टाइम ले रहे हो 2 मिनट 3 मिनट, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जितने में वो 3 क्वेश्चन पूछता उतने में इन्हें दो तीन इस बच्चे ने 2-3 मिनट मेरे और गवा दिए और टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है. तो इस तरीके से क्या होगा, अब जो वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला होगा, ठीक है, वो कम क्वेश्चन पूछेगा और उन कम क्वेश्चंस के बेस पे आप लोगों को जज करके आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन करेगा, तो आप लोगों के तो चांसेस घट गए ना इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के. आप लोगों को कभी भी ये चीज नहीं करनी, ठीक है, आंसर आता है बोलो मुझे आता है, आंसर नहीं आता क्लियरली बोलो मुझे नहीं आता. आंसर नहीं आता तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है. ऑफ कोर्स हम लोग को यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं है जो हमें सारे के सारे आंसर आते हो, 10 में से अगर 7 क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए. तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये आपको अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यू के टाइम पे करना है. गाइस, हमारे वीडियो का जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट इस पॉइंट को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते. मैं बता रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस पॉइंट को कभी नोटिस नहीं करते और ये पॉइंट है ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज गिव अ स्माइल. ग्रीटिंग करते टाइम स्माइल करो, आंसर देते टाइम कोशिश करो, ऐसे भी नहीं करना कि बिल्कुल ऐसे स्माइल देने की सामने वाले को एकदम स्ट्रेंज लगे या फिर कुछ गलत महसूस हो. ग्रीन में गाइस, स्माइल करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आप लोगों के इंटरव्यू पे. स्माइल करके आप दिखाते हो कि आप कंफर्टेबल हो उनके साथ, आप ये दिखाते हो कि आप एक नए पर्सन से मिल रहे हो और एक नए पर्सन के साथ आपको घुलने मिलने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता. आप अभी भी एक नए पर्सन के सामने आए हो, एक स्ट्रेंज पर्सन के सामने आए हो और अभी से आप लोग उसके साथ घुल मिल गए, अभी से आप लोग स्माइल कर रहे हो, अभी से आप लोग ऐसा दिखा रहे हो जैसे यू गाइज नो दैम. तो स्माइल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इट शुडंट लुक फेक. ऐसे नहीं कि एकदम एक फेक स्माइल देनी है या फिर ऐसा करना है कि सामने वाले को कुछ गलत लगे. कोई लेडी अगर फॉर एग्जांपल इंटरव्यू ले रही हो और आप लोग ऐसे स्माइल दो और उन्हें कुछ गलत लगे
वैसा कुछ नहीं करना है, बट हमेशा एक ऐसी स्माइल देनी है, प्लीजिंग स्माइल जो होती है, जिससे एक जेन्युइन पर्सनालिटी लगती है, एक एस्थेटिक अपील आती है, वो आप लोगों को करना है। आप लोग जो है ना, आप लोग को कॉन्फिडेंस का मतलब क्या लगता है कि जो भी सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा उसका जल्दी से जल्दी आंसर दे दो, इंटरव्यू जितना जल्दी खत्म हो सकता है खत्म करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही होता है, इंटरव्यू में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और ऐसे डरे हुए जाते हैं कि बस वो जल्दी से मुझसे क्वेश्चन पूछे, जल्दी से मैं आंसर दूं, वापस आ जाऊं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाना है और कुछ भी करके अपने अंदर ये फील लेके आओ कि अगर उस इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते, यू ऑलवेज हैव अ बैकअप। और उसके अलावा आप लोग और भी लाइंस में जा सकते हो, सिर्फ वो इंटरव्यू ही कुछ नहीं है। अगर आप लोग पूरे ये सोचोगे कि वही इंटरव्यू है, वही आपकी जिंदगी है, उसी के ऊपर सब कुछ आपका डिपेंड करता है, आप लोगों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोग डरे हुए रहोगे। आप लोगों को ऐसे करना है कि आप लोग बहुत चीजें डिजर्व करते हो, आप सिर्फ इतना डिजर्व नहीं करते, ठीक है, ये तो सिर्फ एक चीज है। तो जब वो वाली फील आपके अंदर आएगी ना, तब आप लोग जो है तब पक्का आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी फील कब आती है, कि जब आपको लगता है कि यू डिजर्व एवरीथिंग, यू वर्थ इट, वो फील तब आती है जब आप लोग हर चीज को जानते हो। आप लोगों को टेक्निकल सारा पढ़ना है, फ्रंट ऑफिस, F&B, हाउसकीपिंग, किचन, सबका पढ़ना है, चारों डिपार्टमेंट का बेसिक तो पढ़ना ही है, फिर जिसमें इंटरेस्टेड हो उसका डिटेल से एक एक चीज पढ़ना है, जनरल नॉलेज के बारे में सारी चीजें पढ़नी है, करंट अफेयर्स के बारे में सारी चीजें पढ़नी है, कंपनी में जिसमें इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में सारा पढ़ो, कंपनी वाले क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई अस, हमारे साथ ही क्यों जुड़ना चाहते हो, उसका आंसर प्रिपेयर रखो, कंपनी वाले पूछेंगे कि यहाँ पर रहोगे किस तरीके से, उसका आंसर प्रिपेयर करके रखो। कंपनी वाले ये भी बोलेंगे कि हम आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, मान लो अगर नहीं करेंगे तो आपका क्या बैकअप है, या फिर अगर आप लोग नहीं कर रहे तो वो रिएक्शन देखेंगे, वो कुछ भी पूछेंगे आपसे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, और कॉन्फिडेंट तभी रहोगे जब आपके पास इतनी सारी नॉलेज होगी, इतनी इन्फॉर्मेशन होगी ना, आप लोगों के अंदर हमेशा ये फीलिंग आएगी कि आई वर्थ इट, मैं हमेशा डिजर्विंग हूं और मैं डिजर्व करता हूं। जब ये वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी ना, आप लोग पक्का इंटरव्यू क्रैक करोगे, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट आएगा ना, वो आपको फेक नहीं करने की जरूरत है, आपके चेहरे पे अलग से दिखाई देगा वो कॉन्फिडेंट। गाइस, अब जो मैं वीडियो को फोर्थ पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये वाला फोर्थ पॉइंट थोड़ा मुश्किल है और ये हर कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, ये पॉइंट वही स्टूडेंट कर सकता है जिनका मिलना जुलना ज्यादातर लोगों से होता है, एंड जिन्हें पता है कि लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की जो साइकोलॉजी है उसे किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से समझे। मतलब आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, जितने में वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जितने में आपको ग्रीट कर रहे हैं, उतने में आपको उनकी पर्सनालिटी को पढ़ना है। और ये वही स्टूडेंट कर सकता है, मैं बता रहा हूँ, हर स्टूडेंट नहीं कर सकता, ये वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका मिलना जुलना बहुत सारे लोगों से होता है, उन्हें पता होता है कि पर्सनालिटी किस तरीके से काम करती है। और आप अगर उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा तो भी आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को देखना है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी किस तरीके से है ना, किसी पर्सन को आपको देख के लग रहा है कि वो पर्सन ना काफी ऐसा है कि जैसे हर चीज एकदम ही, मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए, बहुत टाइम मैनेजमेंट वाला पर्सन है, एकदम उसे एस्थेटिक अपील चाहिए, वो चाहता है कि बिल्कुल टाइम पे काम हो जाए, इतनी सी भी गलती ना हो, ठीक है। तो उस पर्सन के सामने अपनी क्वालिटीज इस तरीके से रखो कि उसे लगे कि बिल्कुल मैच करती है पर्सनैलिटीज। आपके पास हमेशा एक प्लान से कभी काम नहीं चलने वाला, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, डी, ई, एफ, जी, एच, पता नहीं कितने सारे आपको प्लान रखने पड़ेंगे, कितनी तरीके की आपको क्वालिटीज रखनी पड़ेंगी। इतना थोड़ा देखो, अगर आप लोग थोड़ा वीडियो में देखोगे आप लोगों को लगेगा मैं कितना ज्यादा प्लानिंग करके चलता हूँ, बट मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग करता हूँ और मैं बहुत सारी चीजें लेके चलता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ग्रुप डिस्कशन में जा रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन होगा, जरूरी नहीं है ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन की जगह ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, और क्या पता वो लोग सीधे पर्सनल इंटरव्यू लेने, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को कुछ नहीं पता। आप लोगों को हमेशा प्रिपेयर होना है और हमेशा अलग अलग प्लान लेके चलने हैं। जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ये पर्सनैलिटी वाला, कि जब आपको उनकी पर्सनैलिटी पता चल जाए और जब आपको ये दिखाना है कि आप दोनों की पर्सनैलिटी मिलती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है। गाइस, अब चलते हैं हमारे वीडियो के लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि ये भी का यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, मेक देम फील क्यूरियस अबाउट यू। अपने अंदर कुछ ऐसी चीज करो, अपने अंदर कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंट करो कि वो लोग आपके बारे में सोचना बंद ना कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरव्यूअर है, वो कॉलेज में इंटरव्यू लेने जा रहा है, अब वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 35 स्टूडेंट्स का पर्सनल इंटरव्यू लिया, 35 स्टूडेंट्स के बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला, उन्हें सिर्फ 4, 5, 6, 7 स्टूडेंट के बारे में याद रहेगा जिन्होंने उन्हें अलग फील कराया होगा। जैसे मान लो 35 बच्चे हैं, 35 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनसे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे उन्होंने सारे के सारे आंसर दिए, ब्रिलियंट आंसर दिया, वो उन्हें अपने लिस्ट में रख लेंगे और उनके दिमाग में वो स्टूडेंट्स बिल्कुल रहेंगे, उनका सिलेक्शन होना पक्का है। लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम 3-4 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना, उन्होंने आंसर गलत दिए होंगे, उन्होंने बोला होगा सर मुझे नहीं आता, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं आता के साथ साथ उन्होंने कैसा फ्रेंडली कनेक्शन बना दिया होगा, ऐसा एक क्यूरियोसिटी कर दी होगी उनके दिमाग में कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो सोच रहा होगा कि यार इसके बारे में तो मुझे जानना है, इस पर्सन को मुझे और ज्यादा जानना है। आप लोगों को अपने बारे में डिफरेंट करके चलना, अगर आप लोग भी अपने सीवी में वही लिख दोगे कि माय फेवरेट पेट इज डॉग,
मेरी स्किल है, मतलब मुझे गेम्स खेलना अच्छा लगता है, मुझे सॉन्ग सुनना सबसे सिंपल तो होता है सॉन्ग सुनना, मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब चीजों से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है, आप लोग फिर वो रेट रेस में रह जाओगे। आप लोगों को डिफरेंट बनना है और कुछ भी करके उन सामने वाले जो पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा है उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी रखनी है, पर्सनालिटी को एक क्यूरियस पर्सनालिटी बनाने के सामने वाला सोच में पड़ जाए। गाइस आई डोंट नो कि आप लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा वीडियो का, आप लोग क्या सोच रहे, लेकिन इतना तो मुझे पक्का पता है कि आप लोग 5 या 6 इंटरव्यू दो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के और उसके बाद जाके मेरे पहले वीडियो देखो, 5-6 इंटरव्यू दो, फिर आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट मैंने बात करी है। इसमें मैंने को ये नहीं बोला कि ये चीजें पढ़ के चले जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना इनके बेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा बिग इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों से अगर आप लोग बहुत ध्यान से इन चीजों को देखोगे तो। सो आई होप कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑफकोर्स बहुत ज्यादा अच्छा जाए। फ्यूचर में और भी ज्यादा वीडियोस लेके आऊंगा अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो, ऑफकोर्स इसी वीडियो के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है। एनसीएमसीटी के ऊपर ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा था तो उसी की वीडियो बना रहा था, अब अगर इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस आएगा, अच्छे फीडबैक, अच्छे कमेंट्स, अच्छे लाइक्स आएंगे तो बिल्कुल मैं डिजिटल ट्रेनिंग से रिलेटेड और भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊंगा, इंटरव्यूज क्रैक करने की टिप्स लेके आऊंगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।